मेरा मोमोज खाने का इतना मन कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज घर पे इसको बनाते हैं और साथ साथ एक रेसिपी आप लोगों के साथ इसकी शेयर करते हैं। इतने अच्छे बनते हैं, बिल्कुल सेम है स्ट्रीट स्टाइल। अभी देखिए ऑयल में ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए लहसुन अदरक एंड हरी मिर्चें, साथ साथ ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज कैरेट्स कैबेज में यहाँ पे यूज कर रही हूँ मीन्स पत्ता गोभी, ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर एंड नमक 1 टीस्पून में यहाँ पे यूज कर रही हूँ सोया सॉस, ये ऑप्शनल है आप यूज कर सकते हैं ग्रीन चिली सॉस डाल के। अच्छे तरीके से आपको उसको मिक्स कर लेना है, सुखा लेनी है सब्जियों कुछ इस तरीके से। 1 कप लेंगे मैदा, नमक ऐड करेंगे, हल्का हल्का पानी डाल के सेमी सॉफ्ट डो बना लेना है, बिल्कुल चिकना रखिएगा डो को एंड बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट रखिएगा, ढक के रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए। उसके बाद छोटे छोटे से आपको इसके पेड़े बना लेने हैं एंड बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल लेनी है, इतनी थिन आपको देखिए रोटी यहाँ पे रखनी है। साइड कॉर्नर्स में लगाइए पानी एंड कुछ इस तरीके से प्लीट्स यहाँ पे दीजिए, एक लेफ्ट से दीजिए एक राइट से दीजिए और बीच में दोनों को स्टिक करते रहिए। बहुत आसान तरीका है मोमोज बनाने का, बहुत सिंपल आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। इस मोमोज को बीच में सील कर दीजिए जिससे हमारी स्टफिंग निकले नहीं एंड मोमोज हमारा खुले नहीं। स्टीम कर लेंगे इसको 20 से 25 मिनट। इसी तरीके से एक बार मोमोज को अपने घर पे बना के देखिए, वही टेस्ट देंगे बिल्कुल सेम इस मार्केट स्टाइल। मैं देखिए आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से ये स्टीम हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी बारीक आपकी रोटी होगी उतने अच्छा के मोमोज होंगे।